तेहरान में IRGC की इमरजेंसी मीटिंग हुई है और स्पेशल अलर्ट पर ईरानी मिसाइल फोर्सेस बताई जा रही हैं। हानिया की मौत के बाद तेहरान में तनाव को लेकर तो खबरें मिल रही हैं, वहीं ईरान में इजराइल पर हमले की मांग जिस तरीके से तेज होती जा रही है उसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अब आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इजराइल और ईरान के बीच किसका सैन्य पलड़ा भारी है और सैन्य पलड़ा भारी कैसे है, इस लिहाज से इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। जहां जानिए कि कैसे अभी फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रक्षा बजट के आधार पर दोनों की रख रहे हैं। जहां देखिए इजराइल का रक्षा बजट 24.4 बिलियन है जबकि ईरान का 9.9 बिलियन। आगे इन्फॉर्मेशन आपके सामने फाइटर जेट्स के लिहाज से रखेंगे क्योंकि इजराइल अपनी ताकत के तहत 612 फाइटर जेट और 551 ईरान के पास, वॉरशिप 101 ईरान के पास और 67 इजराइल के पास। वहीं एक्टिव सैनिक भी जान लीजिए संख्या, क्योंकि 1,73,000 एक्टिव सैनिकों की संख्या इजराइल की बताई जा रही है जबकि ईरान की 5,75,000। अब टैंक जो कि 4,071 है ईरान के पास और 2,200 टैंक है इजराइल के पास। हालांकि सैन्य ताकत के लिहाज से ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर इजराइल जिस तरीके से अपनी इसी ताकत के बलबूते मुकाबला करता आया है उसमें अगर ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत होती है, जो कि हो भी चुकी है इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी अब आज के इस हालात में दोनों की सैन्य क्षमता क्या है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक बड़ा बयान यहां है सामने आ रहा है कि हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी और अब ईरान क्या कदम उठाता है इस पर पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि हानिया के खून के हर कतरे का हिसाब होगा, ये बयान, ये धमकियां, ये चेतावनियां लगातार पिछले 24 घंटे से सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब आगे होगा क्या, आने वाले 72 घंटों में किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जाएगा, इसको लेकर भी बड़े संकेत मिल रहे हैं। वहीं ईरान में इजराइल पर हमले की तैयारियों को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि इसी तैयारी को लेकर खबर ये सामने आई है कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। सीनियर ऑफिसर्स की अग्रिम मोर्चे पर तैनाती को लेकर भी इनपुट है। तीनों सेनाओं के जवानों की छुट्टियों को रद्द करने का फैसला हो चुका है। बहुत जल्द ईरान का एयर स्पेस भी बंद किया जाएगा। हालांकि कुछ इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। अब इन्हीं तैयारियों को देखते हुए ये साफ संकेत सामने आ चुके हैं कि ईरान जिस धमकियों की बार बार खबरें सामने आ रही है ईरान की तरफ से उसमें अब एक्शन भी जल्द हो जाएगा। एक और बड़ी खबर है जहां ईरान पर हमले के लिए अमेरिका में अब मांग उठी है और ईरान पर पहले हमला कर सकता है इजराइल, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। कई इजरायली अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों की ये दलील सामने आ रही है, इजराइल को हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये एक और बड़ी खबर है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजराइल और ईरान का युद्ध कैसे अब परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि ईरान की परमाणु तैयारी क्या आगे युद्ध भारी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते में 3 परमाणु बॉम्ब बना सकता है ईरान। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ईरान ने अच्छा खासा यूरेनियम जमा किया हुआ है जिसको लेकर इससे पहले भी बड़े स्तर पर दावे हो चुके हैं। हालांकि यूरेनियम की मदद से हथियार अपग्रेड करने में पूरी तरीके से वो सक्षम है और परमाणु संपन्न ईरान इसराइल के लिए किस तरीके से बड़ा खतरा बना हुआ है ये आज के हालात में भी सबसे महत्वपूर्ण है। मनीष, एक शॉर्ट रिएक्शन इस पर। देखिये, ईरान और इसराइल को लेकर दरअसल एक ऐसा रिश्ता है जहां पर दोनों मुल्क एक दूसरे को इस धरती से मिटा देना चाहते हैं और इसीलिए इन दोनों के बीच में अदावत चलती रहती है अलग अलग तरीके की। इसराइल की तरफ से तेहरान में कभी परमाणु वैज्ञानिक को मारा गया, कभी कुछ हुआ। वहीं ईरान की तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने हमास खड़ा किया, हिजबुल्ला खड़ा किया, हूती खड़ा किया। और लोग कहते हैं कि ईरान क्या बदला लेता है, बिल्कुल ईरान बदला लेता है। याद करिए, कासिम सुलेमानी को मारा गया, उसके बाद जो हमास का अटैक हुआ वो किसका बदला था? Exactly. हिजबुल्ला की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो किसका बदला है? हूती की तरफ से जो एक्शन हो रहे हैं वो किसका बदला है? लेकिन इस बार फर्क है, फर्क ये है कि इस बार तेहरान पर जब हमला हुआ है तो इसे ईरान सीधे अपने ऊपर हमला देता है। सोचिए, अगर इस्माइल हानिया की जगह ईरान का राष्ट्रपति हो सकता था, ईरान के सुप्रीम लीडर हो सकते थे। Exactly. इसलिए ईरान और इसराइल के बीच जो सीधी जंग है उसका पहली बार, और ये आज के हालात में महज सिर्फ स्पेकुलेशंस नहीं रह गए हैं, ईरान के गुस्से को लेकर बड़े स्तर पर किए जा रहे दावे के तहत एक और अगली बड़ी खबर है, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद गुस्से में ईरान और खमेनेई ने हमले का आदेश भी दे दिया है। दावा क्या किया जा रहा है, खमेनेई ने सुरक्षा परिषद की बैठक की है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक में इसराइल को तबाह करने का आदेश दिया गया है। 72 घंटे के अंदर इसराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी को लेकर जानकारी, वह ईरान के विदेश मंत्री ने अब कतर और सऊदी अरब को यह जानकारी भी दे दी है। हालांकि एक्सपर्ट्स के साथ भी मिडिल ईस्ट के इस हालात में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो नजर इस बात पर बनी रहेगी कि आखिर कौन किसका साथ देता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जहां जानिए कि किस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री ने अब कतर और सऊदी अरब को भी इस बारे में जानकारी साझा कर दी है, इसलिए देखना यह होगा कि अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा और तेल अवीव और
और हाइफा पर हमले का प्लान जिस तरीके से तैयार हुआ है, आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की जिस तरीके से बात कही जा रही है, इस बारे में करूं सवाल। उससे पहले जानिए कि हानिया की हत्या से इसराइल पर ईरान जिस तरीके से भड़क गया है, हानिया की मौत के बाद ईरान की यह सबसे बड़ी धमकी अब सामने आई है, जहां मेहमान पर हमले की सजा के लिए इसराइल तैयार रहे। हमारे घर में मेहमान का खून बहाने की सजा मिलेगी। आईआरजीसी कमांडर ने इसराइल को इसको लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है।